स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड, नाउ वी आर इन पेज नंबर 13। अब हम पेज नंबर 13 में हैं। पेज नंबर 13 में दिया हुआ है डांस। डांस का मतलब होता है नृत्य। द वर्ड नृत्य हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल संस्कृत वर्ड नृत्य। नृत्य जो शब्द आया है वो संस्कृत भाषा से आया है। अब संस्कृत में उस वर्ड का उल्लेख था नृत्य। डांस इज़ वन ऑफ द मीडियम्स ऑफ रियलाइजिंग ब्यूटी विद ताल एंड लय। डांस एक इस तरह का मीडियम माना जाता है जिसमें सुंदरता ब्यूटी जो है वो ताल और लय के साथ बनी होती है। फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एस्थेटिक जॉय, और पूरी तरह से मन को उसी में मग्न कर कर जो नाचा जाए या मनाया जाए या खुशियाँ मनाई जाएँ। शिवा, द ओरिजिनेटर ऑफ डांस इज द लॉर्ड ऑफ डांस। शिवा जी जो हैं, जो ओरिजिनेटर हैं यानी फॉर्म करने वाले, जिनको हर रूप में माना गया है, वही डांस के देवता हैं। शिव इज देयर फॉर ऑल्सो सैड टू बी नटराज। शिव जी को इसीलिए नटराज भी कहा गया है। ही वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग डाउन म्यूजिक फ्रॉम द हेवन टू द अर्थ टू टीच दिस आर्ट टू डांस ऑफ द पीपल। अब शिव जी वो भगवान थे जिन्होंने स्वर्ग लोक से, हेवन मतलब स्वर्ग से, धरती पर इस डांस को लाया जिससे लोगों के अंदर डांस क्या है या लोगों के अंदर डांस की कला आ जाए। इंडिया हैज़ वाइड वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस। अपने भारत में अलग अलग तरह के क्लासिकल डांसेस हैं जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी एंड मणिपुरी। तो ये सब डांस के नेम्स हैं। अब हम इसके नीचे अलग अलग तरह से उनके बारे में जानेंगे। देखिए एक पिक्चर दी है, द गॉड ऑफ डांस नटराज। उसके बाद नीचे टॉपिक है हमारा, फर्स्ट डांस फॉर्म जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है भरतनाट्यम। द ओरिजिन ऑफ भरतनाट्यम इज बिलीव टू बी द तंजोर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। द ओरिजिन भरतनाट्यम जो है वो सबसे पहले तंजोर डिस्ट्रिक्ट जो कि तमिलनाडु में, वहाँ से शुरुआत हुई थी। देर आर टू बुक्स, नाट्यशास्त्र बाय भरत मुनि एंड अभिनव दर्पण बाय नंदीकेश्वर, विच आर द ओरिजिनल सोर्सेस ऑफ भरतनाट्यम। अब दो बुकें लिखी गई थी जिसमें नाट्यशास्त्र जो कि भरत मुनि द्वारा लिखी गई एंड अभिनव दर्पण जो कि नंदीकेश्वर द्वारा लिखी गई थी, और इसमें भरतनाट्यम के सारे सोर्स यानी ओरिजिनल सोर्सेस किस तरह से बना, कैसे बना, उसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम गोपी कृष्णा एंड मृणालिनी साराभाई, द एक्ट्रेसेस लाइक वैजयंती माला एंड हेमा मालिनी एक्सेट्रा। इसके अलावा अब गोपी कृष्णा और मृणालिनी साराभाई ये क्लासिकल डांस के लिए बहुत ही फेमस थे, और अपनी एक्ट्रेसेस जैसे कि पिक्चरों में काम करने वाली हीरोइनें उनमें से वैजयंती माला और हेमा मालिनी भी क्लासिकल डांसेस के लिए बहुत फेमस थी। आर कंसिडर टू बी द प्रिजर्वर्स ऑफ दिस हेरिटेज, और ऐसा भी माना जाता है कि इन लोगों ने इस कला को अपने भारत के लिए संजो के रखा है या संभाल के रखा था। अब नेक्स्ट डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी क्या है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। दिस स्टाइल ऑफ डांस इज वॉज क्रिएटेड इन 15th century। ये जो है डांस, ये 15वीं सदी में क्रिएट हुआ था या बना था। इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमेन्स ब्यूटी। इसका मेन मकसद ये था कि औरत की सुंदरता क्या है, किस तरह निखरी है। डिफरेंट पोजेस एंड गेस्टर्स परफॉर्म्ड बाय मेल एंड फीमेल डांसर्स आर वुमेन इन द फाउंडेशन ऑफ दिस डांस। अलग अलग पोजेस या अलग अलग गेस्टर्स लाए जाते हैं या डांस फॉर्म के लिए अलग अलग कलाएँ या अलग अलग कपड़ों के रूप में, मेल हो या फीमेल हो, डांसर्स आर वोवेन। इनके लिए जो कपड़े बनते हैं वो अलग अलग रूप के बनाए जाते हैं इस डांस को करने के लिए। कुचिपुड़ी इज़ फेमस इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी का बहुत महत्व है। गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू एक्सेट्रा आर द वेल नोन डांसर्स हु हैव प्रिजर्व दिस एंशियंट ट्रेडिशन। अब कई सारे डांसर्स जैसे कि गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू एक्सेट्रा, माने इनके अलावा भी कई लोग हैं जिन्होंने इस डांस को संजो के रखा या बचा के रखा अपने भारत की अनोखी कलाओं में। नेक्स्ट है हमारा कथकली। अब कथकली भी एक डांस फॉर्म है। दिस स्टाइल ऑफ डांस इज़ वेरी फेमस इन केरला। ये जो डांस है केरला में बहुत प्रसिद्ध है। द वर्ड कथकली हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ड्रामास बेस्ड ऑन एंशियंट एपिक्स रामायण एंड महाभारत एंड मिक्स्ड ड्रामास ऑफ संस्कृत एंड मलयालम। अब ये जो डांस स्टाइल है वो बहुत ही फेमस है केरला में। द वर्ड कथकली, वर्ड जो कथकली है वो डिराइव किया गया है ड्रामास बेस्ड ऑन एंशियंट एपिक्स। ड्रामास बनाए गए थे जो इसका मतलब किरदार जो थे वो रामायण और महाभारत के किरदार के रूप में लाए गए थे, और इसको अलग अलग भाषाओं में जैसे संस्कृत और मलयालम दोनों भाषा में बनाया गया था। द कैरेक्टर्स ऑफ दिस आर्ट वेयर ब्यूटीफुल प्लेटेड अटायर्स। अब इस किरदार को निभाने वाले जो होते हैं वो ब्यूटीफुल प्लेटेड अटायर्स यानी कि कपड़े उनके बहुत ही सुंदर और बहुत सही तरीके से
निखारे हुए होते हैं. वी हैव टू रीड देयर फेशियल एक्सप्रेशन टू रिकॉग्नाइज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टर. हमें उनके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं उसे बड़े ध्यान से देखकर और उसमें उसका उनका किरदार क्या है वो समझना पड़ता है, या अपने किरदार को समझाने के लिए वो अपने चेहरे के हाव भाव का यूज़ करते हैं. द क्राउन दे पुट ऑन इज वेरी आर्टिस्टिक. उनका जो ताज होता है, क्राउन होता है, वो बहुत ही आर्टिस्टिक होता है. द कैरेक्टर परफॉर्म्स हिज हर डांस विथ फेशियल एक्सप्रेशंस एंड पोजेस ऑफ हैंड्स टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स ऑफ त्रिलोक. दे कम इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन विद द लाइट ऑफ अर्थ एंड लैम्प ऑन देम. अब ये जो डांस करने वाले जो किरदार होते हैं वो हमेशा जब भी स्टेज पे आते हैं, पर्दे के बाहर जब भी आते हैं, तो इनके हाथों में अर्थन लैम्प होता है, यानी मिट्टी के दिए इनके हाथ में होता है. मिट्टी के दिए को वह अपने हाथ पे लेकर और उसी से डांस करते हैं, और उस डांस से मतलब मिट्टी के दिए की जो लौ होती है उसी से इनके चेहरे का एक्सप्रेशन और इनके पोज जो होते हैं वो इनको इनके कैरेक्टर को सिम्बलाइज करते हैं, यानी दर्शाते हैं. और माना जाता है कि ये त्रिलोक है. अब कलामंडलम, कृष्ण प्रसाद एंड शिवरामन एक्सेट्रा. अब देखिए, पोएट ऑफ केरला श्री, यानी कि केरला के जो कवि थे उनमें से श्री वालाथोड़ जो फाउंडेड ऑफ कलामंडल, इन्होंने कलामंडल का निर्माण किया था कथकली के लिए. कलामंडलम, कृष्ण प्रसाद एंड शिवरामन एक्सेट्रा, ये सभी लोग उनके सहयोगी बने थे. हैव अर्नड ग्रेट फेम इन द नेशन एंड वर्ल्ड वाइड. इन लोगों ने पूरे भारत में या पूरे देश में अपना बहुत नाम कमाया, ना ही खाली भारत में बल्कि विश्व में हर जगह इनका वर्णन किया गया. नेक्स्ट है कथक डांस. अब कथक डांस क्या है उसके बारे में जानते हैं. द लाइन कथन करे सो कथक कहावे इज रिलेटेड टू द कथक डांस. ये जो लाइन है कथक करे सो कथक कहावे, ये कथक डांस की एक लाइन है. द कथक डांस नरेट्स द लाइफ इवेंट्स एंड इंसिडेंसेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा. कथक डांस का उद्देश्य ये होता है कि लॉर्ड कृष्णा यानी भगवान कृष्ण के जीवन की जो भी कलाएं हैं या जो भी जिस भी रूप में वो आए थे धरती पर, उन्होंने क्या क्या किया, इसको इस डांस के रूप में बताया जाता है. इट इज़ ऑब्जर्व दैट इट इज़ डेवलप्ड विथ श्रृंगार भक्ति. ऐसा माना जाता है कि इस डांस को करने से श्रृंगार की जो भक्ति होती है वो बढ़ जाती है. श्रृंगार भक्ति ऑफ वैष्णव कम्युनिटी, यानी कि जो वैष्णव कम्युनिटी जिन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया है उनके लिए. इन दिस स्टाइल ऑफ डांस डांसर टर्न्स अराउंड ऑन वन लेग एंड शोज रेफरेंसेस टू डांस. अब इस डांस में क्या होता है कि डांसर जो होता है वो घूम घूम के अपने एक ही पैर से ज़्यादा डांस कर करके लोगों को आकर्षित या अपने डांस को आकर्षित करता है. वुमेन वेयर नैरो ट्राउजर्स एंड फ्रील्ड फ्रॉक अटायर. अब यहाँ पे अगर महिलाएं डांस करती हैं तो देखिए उनका पहनावा कैसा होता है, नैरो ट्राउजर्स यानी पैजामा जो होता है वो बिल्कुल ही पतला होता है, नीचे से घेर नहीं होता, और ऊपर जो फ्रॉक होती है वो फ्रील्ड फ्रॉक होती है. दिस टाइप ऑफ डांस हैज़ बीन केप्ट अलाइव बाय पंडित श्री बिरजू महाराज. अब ये जो डांस को जो भी करता है ऐसा माना जाता है बिरजू महाराज की याद में किया जाता है, सितारा देवी, कुमुदिनी, लखिया एक्सेट्रा. अब ये सारे लोग जो हैं जिन्होंने कथक में बहुत नाम कमाया था उनमें से श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी, कुमुदिनी, लखिया एक्सेट्रा, तो ये सब लोग जो हैं कथक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे.